नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर मरीज के परिजनों को डॉक्टरों ने जमकर पीटा। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के अस्पताल और मरीज के बीच बेहतर समन्वय अभियान को पलीता लगा रहे हैं कानपुर हृदय रोग संस्थान के निदेशक। कानपुर के कार्डियोलॉजी में डॉक्टरों ने मरीज के तीमारदारों को जमकर पीटा। कार्डियोलॉजी में भर्ती पिता की मौत की जानकारी मांगने पर जूनियर डॉक्टरों ने की पिटाई। कार्डियोलॉजी के निदेशक राकेश वर्मा ने मीडिया से बातचीत करने से किया मना। निदेशक राकेश वर्मा से उनका पक्ष जानने के लिए मीडिया ने संपर्क करना चाहा तो केबिन के बाहर तैनात निजी बॉडीगार्ड ने मीडिया से किया अभद्रता। कार्डियोलॉजी में डॉक्टरों व स्टाफ द्वारा पीटे गए तीमारदारों ने आईफोन छीनने का लगाया आरोप। डॉक्टरों व स्टाफ पर सीसीटीवी कैमरा क्षेत्र के बाहर ले जाकर पीटने का आरोप। पीड़ित तीमारदारों का आरोप, अस्पताल का सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाए तो सामने आ जाएगी कार्डियोलॉजी के स्टाफ और डॉक्टर्स की गुंडागर्दी। मार खाए मृतक के घायल परिजनों को पुलिस लेकर पहुंची स्वरूप नगर थाने। पुलिस पर पीड़ित परिजनों को ही थाने लाकर एक तरफा कार्यवाही करने का लगा आरोप। डॉक्टरों की आखिर गुंडागर्दी कब होगी बंद? डॉक्टर के खिलाफ पुलिस क्यों नहीं करती कार्रवाई? पूरा मामला स्वरूप नगर थाने का। आइए जानते हैं आदित्य कुमार निषाद पीड़ित तीमारदार ने क्या कहा। कैमरामैन बबिता वर्मा के साथ यूपी स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। मेरा नाम है आदित्य कुमार निषाद। आज कार्डियोलॉजी में मेरे पिताजी दो दिन से वहाँ भर्ती थे और वो अच्छे खासे बाहर आ चुके थे। हम लोग बार बार जो वहाँ का स्टाफ था हॉस्पिटल का, कार्डियोलॉजी का रावतपुर, हमसे हम बार बार ये विनती कर रहे थे कि जैसे हमारे पिताजी को कुछ पल्स हाई होती थी या डाउन होती थी, उनसे निवेदन करने जाते थे कि आप देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, तो भगा देते थे उनके अटेंडेंट, क्योंकि मेन डॉक्टर वहाँ पर परमानेंट अवेलेबल नहीं रहता था, तो जो अटेंडेंट थे वो बार बार भगा देते थे। फिर आज जैसे मेरे पिताजी भर्ती थे, सामने मेरी सिस्टर लोग खड़ी थी, उनकी पल्स अचानक से जब बढ़ी तो उनको बताया गया कि इन्होंने उनकी पल्स रुक गई है, इनकी सांस रुक गई है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पहले बोला उन्होंने कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब मैंने दिखाया उनको ध्यान से कि उनकी पल्स रुक गई है, तब उन्होंने देखा भी, उसके बाद जो है उसकी जो आगे की कार्रवाई वो चालू की उन्होंने। कंडीशन जब क्रिटिकल हो गई तो उसके बाद फिर उन्होंने, मैं उनसे बार बार विनती करता रहा कि मारपीट इस वजह से हुई कि वो लोग नेग्लिजेंस कर रहे थे। मैंने ये उनसे बोला कि ऊपर वाला सब देख रहा है, मैं भगवान का नाम जपते जपते ये बोल रहा था कि ऊपर वाला सब देख रहा है, आप लोगों को कोई ऊपर वाला बख्शेगा नहीं, आप लोगों ने गलत किया, आप लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से ये हुआ है। और फिर जब मैं वहाँ था भी नहीं, पता नहीं कैसे मारपीट चालू हो गई, मैं बाहर था, मैंने पुलिस, हाँ मुझे पीटा गया है और जानबूझ के ऐसी जगह पर पीटा गया है जहाँ पर कैमराज नहीं थे, वो वहाँ ही पर ले जा रहे थे जहाँ पर कैमराज नहीं थे। मेरा आईफोन वो गिर गया है जिसका नंबर था 8303-23126, मैंने उसी नंबर से 112 को कॉल करी, 1001 पर मैंने कंप्लेन रजिस्टर कराई। हाँ, सबसे पहले मैंने कंप्लेन करी थी, मैंने कहा मेरे पारिवारिक जनों को मारा जा रहा है। बहुत सारी भीड़ थी सर, पूरा स्टाफ था डॉक्टरों का, हाँ उन्होंने ये आरोप लगाया है, मगर वो सीसीटीवी में सारा कुछ दर्ज है वहाँ के, वो आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। मैं दूर, बहुत दूर, जहाँ एम्बुलेंस दूर खड़ी रहती है वहाँ पर था, पता नहीं कहाँ से सारी भीड़ मेरे पीछे आ गई, कहीं मुझे बंदूकों से मार रहे थे, कहीं पत्थर उठा के मारने की कोशिश कर रहे थे, मेरा फ़ोन गिर गया या छीन लिया गया मुझे नहीं पता, ये सब मारा गया मुझे, और ये सब वहाँ के लिफ्ट में और वहाँ के कैमरे में सब कुछ कैद है। कैमरे में क्यों इसलिए लाया गया कि मैंने जब कॉल करी थी उसका पता नहीं क्या हुआ, वो कंप्लेन रजिस्टर हो गई थी, वो कह रहे थे वहाँ पर कार्रवाई हो रही है, हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो मैंने कंप्लेन करी थी अपने नंबर से। उसके बाद फिर वहीं मुझे मारते मारते हॉस्पिटल ले गए जहाँ पर कैमराज नहीं थे, फिर ऊपर ले गए, वहाँ पर भी मारा, फिर पुलिस इंस्पेक्टर साहब सब लोग आ गए, फिर उन्होंने जो है यहाँ चौकी में हम लोगों को लाया,